रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। छत पर सो रहे पति पत्नी, बराबर की छत से आया लड़का और महिला के साथ कर गया ये काम। पति रहा अनजान। न्यू दिल्ली कॉलन रायगढ़ में एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आपको बता दें कि एक नशेड़ी पति शराब के नशे में घर आकर अपनी पत्नी के पास सो गया। इसी बीच उसी मोहल्ले का एक युवक आकर उस महिला के बगल में सोकर घंटों छेड़खानी करता रहा। महिला को लग रहा था कि उसका पति ही उसके साथ ये सब कर रहा है। जब उस महिला की नींद खुली तब उसके होश उड़ गए। गौरतलब है कि उधर पति शराब के नशे में सोता रहा और उसकी पत्नी के साथ मोहल्ले का ही एक युवक छेड़खानी करता रहा। जैसे ही महिला को पता चला कि छेड़खानी करने वाला उसका पति नहीं कोई और है, तो वह आरोपी युवक को डांटने फटकारने लगी। इसी बीच उसका पति भी जग गया। इतने में आरोपी युवक पीड़ित दंपति को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। दंपति की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार सारंगढ़ थाना क्षेत्र की रहने वाली 27 वर्षीय महिला 29 अप्रैल की रात अपने कमरे में सो रही थी, तभी शराब के नशे में उसका पति घर आकर अपनी पत्नी के बगल में सो गया। इसी बीच मोहल्ले का युवक भोर में ही उस महिला के साथ छेड़खानी करने लगा। महिला को लगा कि उसका पति ही छेड़खानी कर रहा, लेकिन जब उसकी नींद खुली तो देखा कि मोहल्ले का ही 22 वर्षीय युवक गोपी चौहान उसके घंटों छेड़खानी करता रहा।